नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो मेरा आसमान में। और मेरा आसमान में आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो शख्सियत मौजूद है जिनके जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। कहते हैं ना, जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक के बिना दूसरे का कोई वजूद नहीं होता। इनमें से अगर एक भी खराब हो जाए या फिर काम करने की स्थिति में ना हो तो दूसरा भी काम नहीं कर पाता है। जैसे श्री कृष्ण और राधा जी, जिनका एक दूसरे के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं था। ऐसे ही दो खास मेहमान आज मेरे साथ मौजूद हैं, एक हस्बैंड और वाइफ। वैसे तो आज हम इन लोगों को शूट कर रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये लोगों को शूट करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेशनल और इंटरनेशनल शूटर प्लेयर एंड कोच फलक शेर आलम जी और इसी के साथ ही आयशा फलक जी का। सर और मैम, मैं आप दोनों का ही सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे खास शो मेरा आसमान पर। और सबसे पहले मैं आयशा मैम आपके पास ही आना चाहूँगी। एक महिला, एक मुस्लिम महिला, और खेल में आप इस तरह से लगातार आगे बढ़ रही हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, आपने सोचा कैसे इस बारे में? स्टार्टिंग में ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरी शूटिंग में स्टार्टिंग कैसे हुई है। शादी के बाद, इनफैक्ट मेरी जब दो बेटियाँ हो गई थी, दोनों के जन्म के बाद मैंने शूटिंग स्टार्ट की। मेरे हस्बैंड काफ़ी पहले से बच्चों को, अंडर प्रिविलेज बच्चों को सिखाया करते थे घर के पास ही शूटिंग, क्योंकि बहुत अंडर प्रिविलेज लोगों को तुगलकाबाद जाकर, शूटिंग रेंज में जाकर प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने घर के आगे एक छोटी सी 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज बनाई हुई थी और वहीं पे मैं हस्बैंड को छोटे मोटे कामों में सपोर्ट किया करती थी। देखते देखते सुपरविजन के बाद, मतलब इतना ऑब्जर्वेशन के बाद, इन्होंने एक 2013 में एक कॉम्पिटिशन होना था दिल्ली स्टेट में, इन्होंने कहा कि तुम भी पार्टिसिपेट कर लो। ऐसे ही जनरली मैंने भी कहा ठीक है, शौक पर मैं भी खेल ली, और खेलने के बाद मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया उसमें। तो विदाउट एनी प्रैक्टिस, सिर्फ देख देख के मेरा ब्रॉन्ज मेडल आ गया। तो मुझे मतलब बहुत सारा प्यार और एप्रिसिएशन मिला सभी लोगों की तरफ से, जिसमें जसपाल राणा सर भी थे और मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने कहा क्यों नहीं तुम खेलती हो, स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करो इंडिया को। तो फिर मैं भी, फिर प्रैक्टिस में भी मैं भी लग गई बच्चों के साथ साथ। तो करते करते आज मैं 10 मीटर एयर पिस्टल से मैंने स्टार्ट किया था, और आज मैं ट्रैप शूटर्स हूँ, जो कि 12 बोर ट्रैप शूटर्स, वो भी ओलंपिक इवेंट ही है, और मैं स्टेट नेशनल लेवल की उसमें प्लेयर हूँ। आयशा मैम, ये तो आपने बताया कि किस तरह से आप खेल से जुड़ी इस फील्ड में आई, लेकिन मेरा जो अगला सवाल होगा वो फलक सर आपसे होगा। मेरा सवाल ये कि आयशा मैम को आपने अपने निशाने पर लिया, लेकिन ये क्या, या फिर ये खुद ही आपके निशाने पर आ गई, ये थोड़ी स्टोरी हमें बताइए। ये मैं क्या कह सकता हूँ, हमारी हुई तो लव मैरिज ही है और शायद मैं इसी के निशाने पे आ गया हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत सही तरीके का लगता है, अपने फुटबॉल खेलता था, अपने खेल कूद में बड़ा मस्त रहता था जी। तो मुझे ज़्यादा पढ़ने में ज़्यादा मन तो करता नहीं था, मैं खेलने में ज़्यादा रहता था, फुटबॉल खेलता था मैं नेशनल लेवल फुटबॉल भी खेला हूँ। बाद में मेरी एक इंजरी हो गई जिसकी वजह से मेरी फुटबॉल छूट गई और मैंने शूटिंग स्टार्ट की। फिर मेरी शादी हुई, फिर बच्चे हुए, तो पर मेरा एक शौक था कि जो गरीब बच्चे होते हैं, क्योंकि इनको अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाते, आजकल स्पोर्ट्स का इतना ज़्यादा वो हो गया है कि जॉब मिलना बहुत आसान हो गया है स्पोर्ट्स में। तो मेरा अक्सर मन था कि जो बेचारे रेंज के बाहर बाहर रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, उन लोगों को मैं किसी तरह तैयार करूँ, क्योंकि फाइनेंशियल मुझे कोई दिक्कत तो थी नहीं। तो मैंने कोशिश यही करी कि इन बच्चों के लिए जॉब क्या ले करूँ। पहले मैंने मोहल्ले पड़ोस के छोटे मोटे जो काम वाम करने वाले बच्चे थे उनको स्टार्ट किया सिखाना। जब उनकी दो तीन जनों की अच्छी जॉब लग गई तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। फिर आयशा मुझे बहुत सपोर्ट करती थी इस चीज़ में, यानी जितना भी मैं जैसे भी कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, ये मुझे पूरा सपोर्ट किया करती थी। बस उससे मेरी हिम्मत बढ़ती चली गई और आज 300-400 लोगों को मैंने बहुत शूटिंग सिखा के अच्छी जगह जॉब लगा गई। तो वही मुझे मन करता था, वही मैंने किया अपने हिसाब से। आयशा मैम, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी, अब मैं उस वाक्य की बात करूँगी जिसके बाद आपको नारी शक्ति के नाम से भी बुलाया गया, आप रोल मॉडल भी बनी जो लोग हैं, जो लड़कियां हैं उनकी, 2017 में, जिसके बाद आपकी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई, उस वाक्य के बारे में हमें बताइए ज़रा। एक्चुअली मैं शूटिंग तो कर ही रही थी, मुझे 4-5 साल हो गए थे, और मैं दिल्ली पुलिस फैमिली की भी शूटिंग, मुझे अपॉइंट किया गया था, ऑनरेरी कोच हूँ मैं उनकी भी।
तो उसके साथ साथ मैं सेल्फ डिफेंस का भी कोर्स बच्चों को कराया करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि मेरा ब्रदर इन लॉ है वो किडनैप हुआ। एक्चुअली पता नहीं क्या सरकमस्टांसेस हुए, दो लोगों ने उसको किडनैप किया। कॉल आया कि आप रैंसम मनी लेकर यहाँ पहुँचो। हम लोग कहीं पार्टी में थे तो मेरे हस्बैंड को कॉल आया। अब इन्होंने उस पार्टी से जाना मुझे था नहीं एक्चुअली, बट हम दोनों ही साथ हो गए और उनकी लोकेशन पे पहुँचे जहाँ उन्होंने बुलाया था। रात के 2-3 बज रहे थे तो पुलिस भी हमारे साथ थी, हमने पुलिस को भी लिया हुआ था। लेकिन फिर जब किडनैपर्स की तरफ से ऑफर आया कि आप तुम्हारे साथ एक लड़की है उसको भेजो रैंसम देके, तो मेरे हस्बैंड ने बेसिकली मुझे ही आगे भेज दिया और मैं सेफ फील कर रही थी क्योंकि पुलिस भी थी और 3-4 गाड़ियाँ भी थी हम लोगों के साथ। तो मैं उतर के उनको रैंसम देने गई तो वो कुछ आपस में हालात ऐसे बन गए कि उन्होंने मुझे शूट करना चाहा, जिससे मैंने उनसे पहले अपनी लाइसेंसी पिस्टल से उनके पैरों मतलब उनकी तरफ शूट कर दिया और वो दोनों काफ़ी इंजर्ड हो गए। और फिर उसके बाद पुलिस आई और सारे लोग आए, उनको घेरा, मुझे घेरा। तो ये बात बहुत मीडिया में, इनफैक्ट BBC, गार्जियन, क्विंट, कहाँ कहाँ, रीडर्स डाइजेस्ट, सब जगह बहुत हाईलाइट हो गई थी। तो उस बात से मुझे काफ़ी, और मैं कहना चाहूँगी कि ये कॉन्फिडेंट मुझ में पहले नहीं था। आई वॉज अ टीचर ओनली बिफोर मैरिज, बट आफ्टर दैट टीचिंग और कोचिंग का प्रोफेशन ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इस तरफ पुश करके एक ये मतलब एक कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर आया ना, वो शूटिंग के बाद ही आया। तो मैं हर महिला को या लड़कियों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि ज़रूर शूटिंग सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको खेलना है, आपको और बहुत सारे इसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। आपको कॉलेज एडमिशन्स मिल जाते हैं, आपको जॉब मिल जाता है। अगर कोई मेल कैंडिडेट इस चीज़ को करता है तो उसको भी लाइसेंस की वजह से या वेपन की वजह से जॉब अच्छी मिल सकती है जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं इस फील्ड से। अगर हम बात करें, क्योंकि आपने बताया कि आप पढ़ती थी, कोचिंग भी देती थी, पढ़ाती भी थी बाकी बच्चों को, अब उसके बाद आप खेल से जुड़ी, क्या आपने कभी सोचा था कि क्योंकि आप दूसरों को ट्रेनिंग देती हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाती हैं, या एक वक्त ऐसा आएगा कि मुझे अपने ही लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए बंदूक उठानी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा कभी सोचा था आपने? एक्चुअली कभी नहीं सोचा था। इनफैक्ट मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगी। और उसके बाद भी मैं 2 दिन यही सोचती रही कि मैंने ये कर दिया, मतलब सोचा भी नहीं था, प्रिपेयर भी नहीं थी। और बट जब हुआ और जब कर दिया और मीडिया ने इतना ज़्यादा मुझे हाईलाइट किया और पॉजिटिवली, एक तो मैं औरत हूँ, दूसरा मैं मुस्लिम हूँ, तो बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स हो सकते थे, बट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मीडिया और पॉलिटिशियंस ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। इसी केस को लेकर मेरे घर पर हमारे CM सर अरविंद केजरीवाल जी और मनोज तिवारी जी, बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट हुआ, इन लोगों ने आके शूटिंग भी सीखी, तो बहुत अप्रिशिएट किया सबने मुझे, इसके लिए ब्रेवरी अवार्ड भी मिला है। तो मैं कहना चाहूँगी कि अपने हक के लिए सब जो है जायज़ वो करना चाहिए। लेकिन आयशा जी और फलक सर, मैं आप दोनों से ही जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए जब हम कहते हैं कि जब तक हमारे ऊपर नहीं आन पड़ती, हमें नहीं पता चलता है कि हम ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। सेल्फ डिफेंस की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को भी देख चुके हैं, अक्षय कुमार खुद कई प्लेटफॉर्म पर सेल्फ डिफेंस के लिए जो लड़कियों को सीखना चाहिए इसकी बात करते हैं, कई जगहों पर, कई राज्यों में उनकी तरफ से कोचिंग सेंटर की भी शुरुआत की गई है। कितना ज़रूरी आप समझते हैं कि आज की जो जनरेशन है, जो लड़कियां हैं, उनको सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है, कितनी बड़ी ज़रूरत ये बन चुकी है? मैं ये कहना चाहूँगी, सेल्फ डिफेंस तो लड़कियों को सिखाना ही चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली नहीं, पूरे इंडिया में क्राइम रेट्स कितना ज़्यादा है, तो एटलीस्ट दूसरों की भी नहीं अगर कर सकते हैं सेफ्टी, तो अपनी तो कर ही सकते हैं। तो उसके लिए हमें, इस चीज़ के लिए मैं बहुत हाईली अप्रोच करूँगी कि हर बेटी को सीखना चाहिए। बिल्कुल। और फलक सर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने भी हर कदम पर आयशा मैम का साथ दिया है। जी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जिस तरीके से क्राइम हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि लड़कियाँ दबी हुई हैं। अगर जिस तरीके से आयशा इतनी छोटे से हाइट से और इतने देखने में इतनी ऐसी नहीं है कि अट्टी कट्टी हो या इतना लगे कि इस तरीके की हो, जब ये ऐसा काम कर सकती है तो और लड़कियां क्यों नहीं कर सकती है? बिल्कुल। मुझे बड़ा फख्र होता है जब मेरी वाइफ का बुर्ज खलीफा के ऊपर फोटो चल रहा था कि उसने ये काम किया, तो और लड़कियों का भी ऐसा हो सकता है। इसको देखने के बाद मेरे पास कम से कम, आप सोचिए, 100-150 लड़कियां आई हैं आयशा की वजह से, तो आई ना भाई, इसने अच्छा काम किया। जब ये लड़की अच्छा काम कर सकती है, हमारे देश में अगर सभी लड़कियां अच्छा काम करने लगे और सब मिलकर चलने लगे, क्योंकि जब कहते हैं ना, गाड़ी अगर साइकिल चल रही है, दोनों टायर बराबर हो, तो वो अच्छे तरीके से चल सकती है। लेकिन हमारे देश में लड़कियों को दबाया जाता है। लेकिन अगर उनको उठाया जाए
तो इस देश की तरक्की के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और जो ये क्राइम्स हो रहे हैं, जब लड़की पिस्टल वाली होगी तो उसे कोई नहीं छेड़ता। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है आयशा मैम जी कि जब हम सोचते हैं, जैसे घर से हम बाहर निकलते हैं, कई लड़कियां सोचती है कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इतना ज़्यादा आजकल क्राइम बढ़ चुका है, अगर लड़कियों की बात करें तो एसिड अटैक से लेकर रेप केसेस आते हैं, ज़बरदस्ती की जाती है महिलाओं से, सरेआम छेड़छाड़ की जाती है। कहीं ना कहीं लड़कियाँ उसका जवाब नहीं दे पाती हैं, वो दूसरों का मुँह देखना उन्हें पड़ता है कि कोई हमारी हेल्प के लिए आ जाए। सेल्फ डिफेंस कहीं ना कहीं हमें ताकत तो देता ही है, कॉन्फिडेंस उसे लड़ने का। अब अगर हम ऐसी लड़कियों की बात करें, क्योंकि जिस तरह से सर बता रहे हैं कि जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे तब तक आप इन तमाम चीज़ों से लड़ नहीं सकते हैं, ऐसी लड़कियों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ जो मैरिड हैं मैं उनके हस्बैंड से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और जो अनमैरिड हैं उनके पेरेंट्स से, कि अपनी बेटी को एटलीस्ट जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, उस तरीके से एक बार सेल्फ डिफेंस का एक बार नहीं, इनफैक्ट टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए। क्योंकि अब आप कभी भी मेट्रो हो या बसेस हो या फिर ऐसे भी राह चलते देखो तो किसी के साथ कुछ हो रहा होता तो कोई दूसरा आवाज़ उठाता ही नहीं है। मतलब अगर लड़की भी कुछ कह रही है तो दूसरे खड़े तमाशा ही देख रहे होते हैं। तो अगर आप खुद नहीं रिएक्ट करोगे, एक्ट करोगे, तो दूसरा क्या कहेगा? मतलब खुद के लिए इतना स्ट्रांग बनना ज़रूरी है। और एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, एटलीस्ट कुछ तो सीख के ही आता है। वो इतनी छोटी छोटी टेक्निक्स बताते हैं कि आप पेन का यूज़ ऐसे कर लो, सेफ्टी पिन का यूज़ ऐसे कर लो, हाथ का, पैर का, हर चीज़ का, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप उससे एटलीस्ट उस वक्त के लिए अपने को बचा सकते हो, तो वो ज़रूरी है। अच्छा आयशा मैम, मैं वो समय भी जानना चाहूँगी, वो वाक्य भी, क्योंकि जब ये सब तमाम चीज़ें हुई उसके बाद आप सीएम केजरीवाल से भी मिले, वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, आपको ब्रेवरी अवार्ड भी दिया गया उनकी तरफ से, उनको भी आपने ट्रेनिंग दी कि किस तरह से शूटिंग की जाती है, शूट कर सकते हैं, वो थोड़ा हमें बताइए। हाँ, वो एक्चुअली कार्यक्रम नहीं था, वो स्पेशली मेरे घर आए थे देखने, सीखने, मुझसे बात करने, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि वो अपनी टीम के साथ मेरे घर आए। फिर उन्होंने भी निशाना साधा और थोड़ा सा, मतलब 5 मिनट का मैंने उनको ट्रेनिंग दी और उन्होंने शूट किया और उन्होंने बुलजाई पे हिट किया। तो मतलब उन्होंने जितने शॉट चलाए उनके टारगेट पे थे, बट उसमें से एक दो उनके बुलजाई पे भी थे। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई मेरी इतनी शॉर्ट ट्रेनिंग से, उन्होंने कहा मैंने कभी बंदूक नहीं उठाई, मैंने कभी मतलब इस फील्ड के बारे में सुना नहीं, सोचा नहीं, देखा नहीं, और फिर वो मेरे से उन्होंने ट्रेनिंग ली तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मनोज तिवारी जी भी, तो चलो वो तो रियाज करते हैं, उनके अंदर वो पेशेंस और वो मतलब ठहराव है, जिससे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा शूट किया। तो ये एक तो इंडिविजुअल गेम है और इजीली पिकअप करने वाला गेम है, तो बहुत टफ नहीं है। बट ये है कि काफ़ी बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे, एक गैरुल रजा थे और कोई मतलब बहुत सारे नेताओं ने मुझे बुलाया, सीखे और अप्रिशिएट किया और प्रशस्ति पत्र दिए मुझे, तो वेरी गुड एक्सपीरियंस। और फलक सर, क्योंकि 2017 की ये बात है जब ये तमाम चीज़ें घटित हुई, उससे पहले क्योंकि मैम को देखकर जो बाकी के लोग हैं, लड़कियों की अगर आप बात करें, उनमें भी जज्बा जागा। शूटिंग के बारे में लोग जानते तो थे, लेकिन मैम को देखकर कई बार लोग सोचते हैं कि अगर ये लोग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं, तो और लोग भी आगे आए। अगर हम उससे पहले की बात करते हैं और उसकी बात की बात करते हैं, जो वाक्य हुआ, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ हैं जो प्रेरणा लेकर ये तमाम चीज़ें देखकर आपके पास आई, उन्होंने भी शूटिंग को चुना और वो आगे अपने करियर में बढ़ रही हैं, तो कितना फ़र्क आया है तब से अब तक? पहले लोगों को मुझे बुलाना पड़ता था और उनको कन्वेंस करना पड़ता था कि आप आइए, सेल्फ डिफेंस सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, इसके इससे फायदे हैं, स्कूल एजुकेशन, नौकरी, सो एंड सो। क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश ये करी है कि मैं लोअर क्लास पे ज़्यादा काम किया है, क्योंकि हम लोगों की एक सोच होती है कि मुझे अपनी सैलरी में से, एक समस्या होती है कि मुझे अपनी सैलरी में से 10% पैसा जो है इस समाज के लिए यूज़ करना है। मैंने उस पैसे को यूज़ करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि उस पैसे को मैं सही जगह यूज़ करूँ, अपने सामने यूज़ करूँ, तो मैंने यही सोचा कि किसी ऐसी फील्ड को पकड़ूँ जिससे वो उस पैसे को यूज़ कर पाओ। और मैंने उस पैसे के थ्रू लोअर क्लास मिडिल क्लास को ट्रेन करने के लिए जा। अच्छा, अब रही लड़कियों की बात, क्योंकि लड़कियों पर हमारे देश में बहुत कम लोग काम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं, और इस फील्ड में कोई नहीं था। तो मैंने इसी में कोशिश करी, फिर बाय लक जब आयशा वाला केस हुआ, उसके बाद इतनी लड़कियों में अप्रिशिएशन हुई कि आज मैं खुद नहीं सोच पाता हूँ कि मैंने इतने लोगों को ट्रेंड कर दिया। हम दोनों मिलके उसमें लगे रहते हैं, हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा जो एजुकेशन हमारे पास थी वो एजुकेशन हमारी आगे जाए। और आज मुझे बहुत फख्र होता है
कि हमने जिन बच्चों को सिखाया वो आज बहुत अच्छी अच्छी IAS IPS इस लेवल पर पहुंच गए। आयशा मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम लड़कियों की बात करते हैं, उस वाक्य के बाद बहुत सी लड़कियां होंगी आपके पास आकर बोलती होंगी कि मैम हमें आपकी तरह शूटिंग करनी है, हमें आपकी तरह रिवॉल्वर चलानी है, पहले हम इस बारे में सोचते नहीं थे लेकिन आपको देखकर हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंट आ चुका है कि हम भी ये कर सकते हैं, आप हमारी रोल मॉडल हैं। तब आप ये जब ये सब सुनती हैं तो कैसा महसूस होता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑब्वियसली कि अगर आपको कोई आपके जैसा बनने के लिए बोले तो आप एक अंदर से प्राउड फील करोगे। और हर कोई, मेरी लड़कियां जितनी भी मेरे पास आती हैं वो काफ़ी दिल से मेहनत करती हैं, और लड़के फिर भी साल भर लगा देते हैं नेशनल को क्वालिफाई करने में। लड़कियां विद इन अ 6 month और 1 year नेशनल रिनाउंड बन जाती हैं और उनको एक रिनाउंड की उपाधि मिल जाती है, फिर उसके बाद वो इंडियन ट्रायल्स और वो फिर तो आप जितनी मेहनत करते जाओगे, बट उनको एक बेस प्लेटफॉर्म मैं प्रोवाइड कर देती हूँ और वो अपना लाइसेंस, अपने हथियार अपना कैरी करती हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। मैं उनको टाइम टू टाइम गाइड भी करती हूँ इस चीज़ के लिए। सर, अगर बात करें जिस तरह से आपने बताया कि आप 350 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी, इनमें से 150 बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस की फैमिली से ही आते हैं, और बाकी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब परिवार से हैं, जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, एजुकेशन नहीं एजुकेट नहीं हो सकते, उनके परिवार वाले ऐसे हैं, आप उनको भी इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब कुछ इसके बारे में बताइएगा कि कब से इसकी शुरुआत हुई और अब ये जो सिलसिला है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है? असल में मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ और हमारे धर्म में क्या होता है कि हमें ज़कात निकालना पड़ता है। हमें जितनी हमारी इनकम होती है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हूँ, मेरी सैलरी जो होती है, अच्छा मेरे ब्रदर और भाई सब एक साथ ही है, तो हम लोगों का ये था कि हम लोग पैसा किसी को देना नहीं पसंद करते हैं। भाई मांगने वाले को मत दीजिए क्योंकि वो खा लेगा, नशा कर लेगा, कुछ कर लेगा, गुनाह आपके सर लग जाएगा। हम उस पैसे को सही जगह एजुकेशन के लिए यूज़ किया करते थे। फिर धीरे धीरे जब मुझे इस लाइन में पता लगने लगा कि इस लाइन में अच्छे बच्चों को जॉब मिल सकती है, जॉब गारंटी है एक तरीके से, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं बहुत कम उसके ऊपर, तो फिर हमने उस पैसे को कोशिश ये करी कि उस पैसे को लोअर क्लास के ऊपर करियर की हेल्प की जाए, क्योंकि हेल्प पैसे की कर देंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले बोला आपको कि पैसे आप कितने 2 lakh rupees दे दीजिए किसी को, वो महीने 2 महीने 6 महीने में खत्म कर देगा, लेकिन आप उस पैसे से उसे सही एजुकेशन दे दीजिए। हमने उस पैसे से उसको शूटिंग का पैसा दिया, चलो भाई फीस हम आपके जमा कर देंगे, चलो भाई आपके गोली खर्चा हम देंगे, आप मेहनत करो, तो उन बच्चों में इतनी अप्रिशिएशन होती है जो क्लास में बच्चों में बहुत कम होती है, क्योंकि उनको जॉब मिल जाती है। तो हमने उस पैसे को वहाँ यूज़ किया और जिसकी वजह से उन लोगों को हमें करने में बहुत आसानी हुई। फलक सर, आपने जिस तरह से आयशा मैम का साथ दिया, बहुत से लोग हैं, बहुत से हस्बैंड वाइफ हैं जिनको हम देखते हैं कि सपोर्ट सिस्टम जिसको कहा जाता है, हस्बैंड है तो वो वाइफ का साथ नहीं देते हैं, अगर वाइफ होती है हस्बैंड का साथ नहीं देते हैं, अगर कोई आगे भी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के मन में ये हो जाता है कि अरे वाइफ तो है लेकिन मुझसे आगे कैसे बढ़ सकती है, एक महिला के तौर पर वो आगे कैसे बढ़ सकती है, लेकिन आपने बिना कुछ ऐसा सोचे बल्कि कहा जा सकता है एक मिसाल उन लोगों के लिए पेश की है जो ऐसा सोचते हैं। असल में मुझे बहुत फख्र होता है कि मेरी वाइफ है और उसने इतना अच्छा काम किया, अपने साथ साथ एक बच्चे को भी बचा ले गया इसने, और मेरे साथ ये दिन रात क्या था जब मैं शूटिंग सिखाया करता था, भाई मेरी भी तो वो एक पेशेंस था कि मुझे इन बच्चों को कामयाब करना है, ये दिन रात उनके भाई दुनिया भर के काम किया करती थी, तो इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मुझे बड़ा फख्र होता है कि अगर दोनों पहिए बराबर चले तो उस साइकिल की रेस में मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि हम हर चीज आपस में बिल्कुल शेयर करते हैं, सही हो गलत हो हर चीज शेयर करते हैं। फलक सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये तमाम चीज़ें तो थी जिस तरह से आपने बताया कि आप 350 से ज़्यादा बच्चों को आप ट्रेनिंग देते हैं, सेल्फ डिफेंस की और शूटिंग भी की भी ट्रेनिंग उन्हें दे रहे हैं, लेकिन अभी करंटली की अगर हम बात करें तो अभी आप किस पोजीशन पर हैं, क्या काम कर रहे हैं? दरअसल मैं शूटिंग सिखा रहा हूँ, मैं PFW में भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ दिल्ली पुलिस के बच्चों को, या जिनके कुछ घर में कैजुअलिटीज़ वगैरह हो जाती हैं पुलिस के या फिर हमारे डिफेंस पर्सन के लिए, उन लोगों के लिए स्पेशली स्टैंड निकाल के उन बच्चों को ट्रेन करता हूँ कि खास तौर से उनको जॉब के प्रिपरेशन के लिए। दूसरा, अभी फ़िलहाल हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप चल रहा है, कल में क्या है कि इंडिया में अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया में वर्ल्ड कप का इस बार ये कराने का हमें मौका मिल गया है, मैं नेशनल फेडरेशन में भी हूँ, स्टेट फेडरेशन में भी हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे स्पेशली
कस्टम्स पे लगाया गया है, और जितने इंटरनेशनल प्लेयर आ रहे हैं उनका एमुनिशंस इंचार्ज, यानी कि उनका एमुनिशंस वेपन्स सारे चेक करने, कस्टम्स क्लियरेंस कराना, सब कुछ कराना, तो मैं आजकल एयरपोर्ट पर उसको पूरा चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ उसको, देख रहा हूँ सारा वर्ल्ड कप का पूरा एयरपोर्ट पर। बिल्कुल आयशा मैम, ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूती देती हैं। सपोर्ट देना अपनी वाइफ को या फिर अपने हस्बैंड को, हर समय उनके साथ खड़े रहना, और जिस तरह से सर हर स्थिति में आपके साथ खड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि अगर वो नहीं होते, नहीं खड़े होते मेरे साथ, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती? ऑफ कोर्स बिल्कुल लगता है, क्योंकि इन्हीं के सपोर्ट से मैं ये कर पाई हूँ। और मैं तो एक कोचिंग सेंटर चलाती थी और एक छोटे स्कूल में पढ़ाती थी, तो उसके बाद मेरा वो पूरा करियर हटा करके मुझे नई फील्ड में डालना, और इतना कॉन्फिडेंट, और मतलब पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए एक मतलब इतना 10,000 रुपये पढ़े उड़ाने के लिए बारूदों में नहीं भेजते, तो ये जो हस्बैंड है और वाइफ को भेजना, इट्स यू नो वेरी बिग डील कि इन्होंने इतना बड़ा मतलब इन्होंने, मैं फिर भी कतराती थी कि भाई 100 रुपये उड़ रहे हैं, 200 रुपये उड़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा हिचक करती थी कि ये मेरे काम आएगा, मेरे बच्चों के काम आएगा, बट ये कहती थी मैं बैठा हूँ ना तेरा फाइनेंसर पीछे, तो क्योंकि टेंशन। और ऐसे समय में कि जब ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर से हटता है और लोग अपने के साथ खड़े भी नहीं होते, आप एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं और इसी तरह से आपकी गाड़ी आगे चलती हुई जा रही है, बढ़ रहे हैं आप दोनों आगे। मैं आपसे एक आखिरी चीज़ मैं चाहती हूँ कि जो दर्शक हमारे हमें देख रहे हैं वो थोड़ा इसको सीख पाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनको टाइम नहीं मिलता है, वो सोचते हैं कि अरे हम सेल्फ डिफेंस सीख कर क्या कर लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ आप हमें हमारे दर्शकों को सिखा सकते हैं सेल्फ डिफेंस की ट्रिक्स, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है? मैं मतलब कुछ तो आपके पोस्चर से ही होता है, कुछ आपके पास पेन होता है आप यहाँ पे किसी को, या फिर स्टॉल है उससे, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ 10-15 दिन या हफ्ता करना चाहिए प्रोफेशनली आकर के सेल्फ डिफेंस का कोर्स, क्योंकि ये इतना भी वो नहीं है कि आप स्क्रीन पे देख के सीख जाओगे, वो तो आपके पास आजकल यूट्यूब भी इतना है, बट जाकर वहाँ पर इंटरैक्शन करके, क्योंकि यूट्यूब या ऐसे स्क्रीन से सीखने से क्या होगा कि आप वो अप्लाई नहीं कर सकते कहीं पे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं आएगा जब वो कॉन्वर्सेशन से आएगा। तो कम से कम अपने लिए 3 दिन तो निकाल ही सकते हैं इस चीज़ के लिए, और शूटिंग भी अगर आप हफ्ते में एक दिन करते हो ना, मैं तो देख देख के सीखी हूँ, एक दिन हफ्ते में भी दे सकते हो ना, तो शूटिंग हो गया, सेल्फ डिफेंस हो गया, ऐसे चीज़ों के लिए बाहर निकलना चाहिए और निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। और फलक सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम मैदान की बात करते हैं वहाँ पर सटीक निशाना लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम अपनों के लिए रिवॉल्वर उठाते हैं, शूट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो शूटर्स हैं उनके भी हाथ कांपने लग जाते हैं। उस वक्त जिस तरह से आयशा मैम ने साहस से काम लिया, क्योंकि लोग प्रेशर में आ जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या उस वक्त किया जाना चाहिए, उस वक्त इतने धैर्य से काम किया, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई इसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा है। दूसरी बात, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं बच्चे को जब सिखाते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा हद तक कोशिश करता हूँ कि उसको उसकी सेफ्टी रूल्स को पूरा फॉलो करे। और आयशा को हमेशा उस चीज़ के लिए मैंने समझाया था, और मैं हर बच्चे को इसकी चीज़ करता हूँ कि आप सेफ्टी रूल्स पहले फॉलो कीजिए। और आयशा ने जब वो शूट किया तो मुझे बड़ा फ़ख्र होता है, इतने पूरे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हुए उनके पैरों पर गोलियाँ मारी, तो मुझे ये लगा कि मेरी एजुकेशन बिल्कुल ठीक है, मैंने सही सिखाया, ये भी सही सिखाई तो बच्चे भी सही सिखाऊंगा। तो देखिए ये थे आयशा मैम और फलक सर। मैंने शुरुआती तौर पे ही कहा था कि जैसे कि एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर एक चलने की स्थिति में नहीं होता है तो दूसरा भी उसके बिना अधूरा है। जैसे श्री कृष्ण और राधा जी जिनका एक दूसरे से ही अस्तित्व जुड़ा हुआ था, ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे का हर समय हर पल एक दूसरे को साहस दे रहे हैं, कॉन्फिडेंट दे रहे हैं, और इसी तरह से इनकी गाड़ी आगे चलती हुई जा रही है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया सर और मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि सेल्फ डिफेंस अगर हम बात करें आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है। जिस तरह से हम सोचते हैं कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई छीन नहीं सकता, कोई कुछ बोलेगा भी तो क्या कर सकते हैं हम, लोगों का काम है बोलना, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल्फ डिफेंस हर किसी की ज़रूरत है आज।
हम ये भी कहेंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो भी और अपने बच्चों को भी वो सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाएं, क्योंकि आपको कभी भी किसी भी समय इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि जब आप रास्ते पर चलते हैं आसपास के लोगों के लिए भी, अगर कुछ उनके साथ ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो अगर आपको सेल्फ डिफेंस आता होगा आप उनकी भी मदद कर पाएंगे। यही वजह है कि सेल्फ डिफेंस ज़रूर लोगों को आना चाहिए। इसी को लेकर आज हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए थे फलक सर और इसी के साथ ही आयशा मैम, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उसी के साथ ही हमारे इस खास शो मेरा आसमान में फिलहाल इतना ही, आप बन रहे हमारे साथ, नमस्कार।